वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज न्यू ईयर वाले दिन अभी अभी जस्ट मैं उठी हूँ और अभी नहाने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, नहा के आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन जिनने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। हैप्पी न्यू ईयर पापा, उठ जाओ बाबू, नया साल आ गया। समझवाने में आ गए। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, अभी देखिए मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मैंने हेयर्स भी कॉम कर लिए हैं और सुंदर सुंदर भी लग रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो देखो अभी आओ मेरे साथ कि मैं क्या बनाती हूँ। बनाने जा रही हूँ जैसे पहले की सब्जी कुछ बनी होती है ना, तो आज हमारे घर में बनी हुई है ये कॉलीफ्लावर और पनीर मिक्स करके ना इसके हम पराठे बनाएंगे। तो अच्छा, इसको ना अच्छे से मिक्स कर दें, ठीक है? ऑरिगैनो भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है? तो ये मैंने एक पैकेट ऑरिगैनो का डाल दिया, उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। मैंने आज मैंने ये कॉलीफ्लावर की सब्जी डाली है। आपके घर में कोई भी सब्जी बनी हो ना, आप इसे पनीर के साथ मिक्स करके इसका पराठा बनाओ ना, ये इतना टेस्ट। करना है इसको ऐसे, और साथ साथ हमारी चाय भी बन रही है और गैस ऑन कर देनी है ताकि तवा ना गर्म हो जाए। देखो कहीं से फटा मेरा पराठा, कहीं से फटा साइड से, कहीं से मेरी फिलिंग बाहर निकली नहीं, क्योंकि मैं इसको एकदम इक्वल प्रेशर लगा के ना हर तरफ से इसको बेल रही हूँ। इसको ऐसे अच्छे से एकदम तवे पर रख दे। Thank you.
अब ना अटैक ऑन टाइटन की, जैसे कि आपको पता ही होगा सीजन 4 आने लगा है, तो मैंने अभी तक सीजन 2 तक ही देखा है, तो सीजन 3 आज स्टार्ट करूंगी। लेकिन अब आप कुछ एनिमे वगैरह कुछ भी जब आप देखते हो तो मन करता है ना पॉपकॉर्न खाने का, तो अभी हम ना पॉपकॉर्न, तो ये पॉपकॉर्न्स कुकर के अंदर जा रहे हैं। और अच्छा, ये ऐसे इसने ना पॉपकॉर्न्स डाल दिए, ऐसे से शेक करना है। ओके ओके, पॉप साउंड है खत्म। जब पॉप साउंड आएगी ना उस टाइम पे अच्छा शेक करना है, देखना मेरा भाई शेक करेगा। गाइस आवाज आ रही है, वो बाहर निकल रहे हैं ध्रुव, कुछ शरारती दाने होते हैं बाहर भी निकलते हैं, इसलिए कुकर का ढक्कन बिल्कुल ना खोलें, मुंह पे बज गया ना नक्शा बदल जाएगा मुंह का, है ना ध्रुव? ध्रुव नहीं बोलता। ये ना जो मेरा भाई कुकर पूरा बंद नहीं कर रहा है ना, ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा एयर फ्लो रखना पड़ता है, वरना ये फट जाता है कुकर। तो ऐसे ही बनाना जैसे मेरे भैया बना रहे हैं। सारी पॉपिंग साउंड बंद हो गई है और कितने सारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। ये फैमिली पैक था और इसमें कितने सारे पॉपकॉर्न हैं। अब हम खाएंगे और मूवी देखेंगे। एक बाउल तो भर गया है, इसमें इतने सारे कभी भी लेना होगा ना गाइस फैमिली पैक ही लेना, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा मिल जाते हैं। एक बाउल तो भर गया, अभी दूसरा भी मुझे लगता है भरने वाला, ये वाला बाउल, मतलब दो बाउल्स भर भर के हमारे पॉपकॉर्न्स के निकल गए हैं एक फैमिली पैक से, मतलब ये काफी किफायती लग रहा है। अब हम देखेंगे मूवी, साथ में खाएंगे मिक्सचर, साथ में पॉपकॉर्न्स, और साथ में सॉरी मूवी नहीं एनिमे अटैक ऑन टाइटन्स। अच्छा उठ के लाइट ऑफ कर देती हूँ, लाइट ऑफ करके मजा आता है ज्यादा देखने में, कोई भी आप एपिसोड एनिमे कुछ भी देख रहे हो लाइट ऑफ करके मजा ही, थिएटर वाली फीलिंग आती है, इसलिए लाइट ऑफ कर दी है। पर्दे भी बंद कर देते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही है वो भी ना आए। ओहो ये पूरा थिएटर बन गया है। अच्छा सीरीज हमने देख ली है और अभी अभी मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने के लिए मुझे थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि न्यू ईयर पे ना कुछ अच्छा करना चाहिए, तो हम इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं, यहाँ हमारे घर के पास ही है तो हम वहाँ जाएंगे अभी। अच्छा अब हम निकल रहे हैं टेंपल के लिए, आओ भाई आओ गर्ल्स, हाय आ जाओ आ जाओ, एक रह गई पीछे ये भी आ रही है। अब हम अभी निकलने लगे हैं घर से टेंपल के लिए, अभी रोड क्रॉस करते हुए चलो। कैसे नंबर कौन सी कर दी है, कितनी अच्छी है। यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग्स होती है ना हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स पे।
दर्शन करके आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्नेहा आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप मंदिर के दर्शन करके? बहुत मजा आया। अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। मन तो नहीं कर रहा है पर रात भी काफी हो गई है, घर के लिए जा रहे हैं वापस। अभी हमें भूख लगी है, हम सोचे हम कुछ खा लेते हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर का गेट है और मंदिर के सामने वाले जो शॉप है वहाँ पे मोमोज खा रहे हैं। कल 12 बजे तक वेट किया? नहीं यार।